हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इस एरिया में बच्चों को दिक्कत आती है, कन्फ्यूजन होता है कि ओवर और अबव, अंडर और बिलो, क्या डिफरेंस है। ओके, बुक्स में भी पढ़ के बच्चे थोड़े कन्फ्यूज रहते हैं कि मैम कैसे पता करें कहाँ ओवर लगाना है, कब कहाँ पर अबव लगाना है। बिकॉज ओवर का मतलब भी ऊपर, अबव ऑल्सो मीन्स ऊपर, ओवर का उल्टा अंडर और अबव का उल्टा बिलो, ये नीचे के सेंस में। अब दे गेट कन्फ्यूज, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि दोनों तो ऊपर है, अबव इज ऑल्सो ऊपर एंड ओवर इज ऑल्सो ऊपर, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, दो चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। वो चीज़ पे ध्यान रखोगे देन आप आराम से सेलेक्ट कर लोगे कि कहाँ पे ओवर लगाना है, कहाँ पे अबव लगाना है। कोई भी चीज़ ऊपर है, चलो ओवर भी ऊपर के सेंस में, अबव भी ऊपर के सेंस में। कोई भी चीज़ आपसे कितना ऊपर है, इधर आप किसी चीज़ की हाइट लेते हो या किसी चीज़ की लेवल लेते हो, ठीक है। जैसे एक होता है हमारा वर्टिकल लाइंस और एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये हमारा वर्टिकल लाइंस है और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। तो कोई भी चीज़ आपसे कितना ऊँचा है, सपोज़ मेरे हेड के ऊपर एक फ़ैन है और ये जो फ़ैन है मेरे हेड से कितना ऊंचा है, मैं क्या लूँगी, इसकी हाइट लूँगी, मैं लेवल नहीं लूँगी। जनरली लेवल किसकी लेते हैं हम, जो चीज़ें फैली हुई है। ओके, द थिंग्स विच आर स्प्रेड, जो चीज़ें फैली हुई है, फैली हुई चीज़ों की लेवल ली जाती है, ठीक है। मेरा हेड भी एक जगह है, फ़ैन भी एक जगह है, और ये जो फ़ैन है मेरे हेड से कितना ऊपर है, आई विल नॉट टेक द लेवल, आई विल टेक द हाइट, आई विल टेक द वर्टिकल हाइट। और हाइट के लिए हम क्या लगाते हैं, हाइट के लिए क्या लगाते हैं, ओवर लगाते हैं। ओके, अबव पानी का लेवल। ओके, पानी मेरे सर से कितना ऊंचा है, ठीक है, मेरे सिर से पानी कितना ऊंचा है, कितना ऊपर है, मैं पानी की हाइट नहीं लूँगी, आई विल टेक द लेवल ऑफ वाटर, आई वॉन्ट टेक द हाइट ऑफ वाटर। बिकॉज पानी फैला हुआ है और फैले हुए चीज़ों की क्या ली जाती है, फैले हुए चीज़ों की लेवल ली जाती है। और जो चीज़ें फैली नहीं है, वर्टिकल है, उसके लिए क्या होता है, हाइट। और हाइट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाइट के लिए ओवर का यूज़ होता है। और जो चीज़ें फैली हुई है, फैले हुए चीज़ों की लेवल होती है, लेवल के लिए क्या यूज़ करते हैं, लेवल के लिए हम अबव का यूज़ करते हैं। ओके, इन द सेम वे अबव का ऑपोजिट इज अंडर एंड सॉरी ओवर का ऑपोजिट अंडर है और अबव का बिलो है। दोनों का मतलब नीचे होता है। सपोज देर इज़ अ कैट, कोई कैट टेबल के नीचे बैठी हुई है, तो कैट है, हाउ फार द कैट इज़ फ्रॉम द टेबल, जो कैट है वो टेबल के कितने नीचे है, व्हाट विल आई टेक, आई विल टेक द हाइट। और हाइट के लिए क्या यूज़ करते हैं, हाइट के लिए हम यूज़ करते हैं नीचे के सेंस में अंडर। और लेवल, वेन एवर वी टेक द लेवल, पानी का लेवल आपके सिर से कितना नीचे है, पानी आपके सिर से कितना नीचे है, व्हाट विल यू टेक, यू विल टेक द लेवल। लेवल हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लेवल बनाता है, और लेवल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिलो। तो लेवल के लिए हम अबव का भी यूज़ करते हैं, लेवल के लिए बिलो का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। बट दिस इज़ इन सेंस ऑफ ऊपर, दिस इज़ इन सेंस ऑफ नीचे। उसी तरह हाइट के लिए अबव यू ओवर यूज़ करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड्स, एंड दिस इज़ ऑल्सो अपवर्ड्स, बट दिस इज़ लेवल वाइज ऊपर, ठीक है। ये हाइट वाइज ऊपर और ये लेवल वाइज ऊपर, एक तो ये हो गया। और दूसरा डिफरेंस क्या है ओवर में, ओवर में अभी मैं आई विल मेक इट क्लियर थ्रू द एग्जाम्पल्स, और भी इलेबोरेट करूँगी एग्जाम्पल्स के थ्रू, बिकॉज आपको लग रहा होगा वॉट इज़ दिस मूवमेंट एंड नो मूवमेंट। ओवर में मूवमेंट होता है, जैसे मैंने बोला द फैन इज़ ओवर माई हेड, द फैन इज़ ओवर माई हेड, फैन जो है मेरे हेड के ऊपर है, तो यहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम ओवर नो मूवमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट आई जम्प्ड ओवर द वॉल, आपने वॉल के दीवार के एक साइड से दूसरे साइड जंप किया, तो यहाँ तो मूवमेंट हो रहा है, हम ओवर का यूज़ कर रहे हैं। तो ओवर वर्ड है, हम मूवमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, नो मूवमेंट के लिए, बट अबव इज़ ऑलवेज नो मूवमेंट। तीसरा, ओवर में कोई भी चीज़ कॉन्टैक्ट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे द फैन इज़ ओवर माई हेड, तो फैन मेरे हेड के कॉन्टैक्ट में तो नहीं है, नो कॉन्टैक्ट। बट अगर मैंने बोला पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, चाइल्ड के ऊपर ब्लैंकेट डाल दो, तो वहाँ तो कॉन्टैक्ट हो रहा है, बट इसमें नो कॉन्टैक्ट। तो व्हाट आई मीन टू से, दोनों का मतलब ऊपर, बट दिस इज हाइट वाइज ऊपर, वर्टिकली अपवर्ड्स, एंड दिस इज लेवल वाइज ऊपर। लेवल किसकी ली जाती है, जो चीज़ फैला हुआ है, हॉरिजॉन्टल है, उसकी लेवल। इसमें मूवमेंट हो भी सकता है, नो मूवमेंट भी हो सकता है, बट इसमें नो मूवमेंट। इसमें कॉन्टैक्ट ओवर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इसमें तो नो कॉन्टैक्ट। एंड द सेम इज़ द केस विथ अंडर एंड बिलो। अभी मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ, ओके, इट विल बी मोर क्लियर थ्रू द एग्जाम्पल्स। ओके, चलो इट विल बी मोर क्लियर थ्रू द एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर हो जाएगा।
बस याद रखना है ओवर वर्टिकली अपवर्ड्स अबव लेवल वाइज ऊपर, अंडर वर्टिकली डाउनवर्ड्स और बिलो लेवल वाइज नीचे. ओवर में मूवमेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट अबव में मूवमेंट नहीं होता है. ठीक है, ओवर में कॉन्टैक्ट विद द बॉडी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट अबव में बिल्कुल नहीं होता है. चलो आ जाओ. देर इज़ अ फैन डैश माई हेड. फैन जो है मेरे हेड के ऊपर है, फैन मेरे हेड के ऊपर है, डायरेक्टली हेड के ऊपर है. मैं क्या लूँगी, लेवल तो नहीं लूँगी. फैन भी एक जगह है, हेड भी एक जगह है, फैला हुआ नहीं है. आई विल टेक द हाइट. और हाइट के लिए क्या यूज़ होता है, ओवर. ओवर इज फॉर द हाइट. और अबव तो लेवल के लिए होता है, बट यहाँ लेवल नहीं ली जा रही, हाइट ली जा रही. ठीक है, और हाइट के लिए हम ओवर का यूज़ करते. ही जम्प्ड ओवर या अबव द वॉल. वो वॉल के एक साइड से दूसरे साइड जंप कर गया. अब आपके दिमाग में आएगा मैम अबव भी हो सकता है ओवर भी हो सकता है, बट जंप करते समय वो दीवार के एक साइड से दूसरे साइड जंप कर रहा है और जंप करते समय मूवमेंट हो रहा है. और ओवर में मूवमेंट हो भी सकता है और नो मूवमेंट भी है, बट अबव में तो मैंने बताया कोई मूवमेंट नहीं है, बट यहाँ तो मूवमेंट हो रहा है, ये जंप वर्ड से पता चल रहा है, तो दैट इज ओवर. ओके, द क्लाउड्स होवर्ड. वट इज अंटिल एंड अनलेस यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड ना होवर्ड. जब तक आपको होवर्ड का मतलब नहीं पता होगा फिर आपको दिक्कत होगी ओवर या अबव चुनने में. होवर का मतलब होता है मंडराना, जैसे बादल जो स्काई स्काई के ऊपर आसमान के ऊपर बादल बादल मंडरा रहे थे. तो दिस होवर्ड इट डिनोट्स मूवमेंट, इट डिनोट्स मूवमेंट. क्लाउड्स होवर कर रहे थे, बादल मंडरा रहे थे, द क्लाउड्स वर मूविंग इन द स्काई. तो यहाँ तो मूवमेंट का सेंस है बट अबव तो मूवमेंट का सेंस नहीं देता है, दैट इज ओवर. एक ओवर का मतलब तो मैंने ऊपर बताया, और वन मीनिंग ऑफ ओवर का मतलब होता है ना स्प्रेड करना, बिछाना. जैसे मैंने बोला पुट द टेबल, सॉरी पुट द टेबल क्लॉथ ओवर द टेबल. टेबल क्लॉथ को, क्लॉथ को टेबल के ऊपर बिछा दो. ठीक है, बच्चे के ऊपर कंबल उड़ा दो. ही पुट द ब्लैंकेट ओवर या अबव द चाइल्ड. उसने ब्लैंकेट कंबल को बच्चे के ऊपर उड़ा दिया. यहाँ पे देखो, यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट था, यहाँ पे भी नो कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे भी नो कॉन्टैक्ट है, बट यहाँ पे देखो पुट द ब्लैंकेट, पुट द ब्लैंकेट ओवर या अबव द चाइल्ड. बच्चे के ऊपर ब्लैंकेट डाल दो. बच्चे के ऊपर ब्लैंकेट डाला जा रहा है, साथ में मूवमेंट भी हो रहा है और कॉन्टैक्ट भी है. बच्चे के ऊपर द ब्लैंकेट इज इन कॉन्टैक्ट विद द चाइल्ड. मूवमेंट भी हो रहा है, कॉन्टैक्ट भी है, ओवर. बट अबव में तो ना मूवमेंट होता है ना कॉन्टैक्ट होता है. एक जैसे जैम, ब्रेड पे जैम लगाते हो तो स्प्रेड द जैम ऑन द ब्रेड नहीं होगा, ओवर द ब्रेड फैला कर स्प्रेड कर रहे हो. परफॉर्मेंस, किसी के परफॉर्मेंस की क्या होती है, वी टेक द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, वी डोंट टेक द हाइट. किसी की योग्यता, किसी की योग्यता की हाइट नहीं होती है, योग्यता की हमेशा लेवल होती है. और लेवल के लिए हम बिलो का यूज़ करें, बोलते हो ना बिलो एवरेज अबव एवरेज. अगेन द सन सेट्स बिलो और अंडर द होराइजन. वॉट इज होराइजन. होराइजन इन हिंदी मीन्स क्षितिज. क्षितिज क्या है, जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं. क्षितिज इज द लाइन वेर द अर्थ एंड द स्काई सीम्स टू मीट, एंड दिस अर्थ एंड द स्काई दे मेक अ लेवल. और लेवल के लिए क्या यूज करो, बिलो. कैट जो टेबल के नीचे बैठी हुई है, तो कैट टेबल से कितना नीचे, हाउ फार द कैट इज फ्रॉम द टेबल. वी वॉन्ट टेक द लेवल, वी विल टेक द हाइट. और हाइट के लिए अंडर, बिलो तो लेवल के लिए यूज कर. पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही पता चलता लाइन. पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा, गरीबी रेखा. गरीबी रेखा से ऊपर हो APL, नीचे हो BPL. दिस इज अबव पॉवर्टी एंड दिस इज बिलो पॉवर्टी. एंड दिस लाइन डज नॉट डिनोट एनी हाइट. ये लाइन किसके लिए यूज होता है, लेवल के लिए. लेवल के लिए हम क्या यूज करेंगे, बिलो. ओके, पॉवर्टी लाइन एक लेवल बताता है, नॉट हाइट. वी आर फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स. क्लाउड्स वाला दोनों देखना, यहाँ भी एक होवर्ड था क्लाउड्स वाला, यहाँ भी क्लाउड्स वाला है. हम बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं, नो डाउट एरोप्लेन में है हुआ. अब बादल, दिस क्लाउड्स, ये जो क्लाउड है ये आसमान में फैला हुआ है. ठीक है, क्लाउड्स आसमान में स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, और फैले हुए चीज़ की लेवल होती. और लेवल के लिए क्या यूज़ करो, अबव द क्लाउड्स. अब दिमाग में बच्चों का आएगा कि यहाँ तो मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट क्लाउड्स का नहीं हो रहा, आप फ्लाई कर रहे हो, एरोप्लेन का मूवमेंट हो रहा है. यहाँ जो मैंने अबव लगाया है किसके लिए, क्लाउड्स के लिए. हम बादल के ऊपर उड़ रहे हैं, उड़ तो हम रहे हैं, बट क्लाउड्स तो अपनी जगह पे स्कैटर्ड है, लेवल फॉर्म कर रहा है. पापा, देर इज़ अ ब्रिज. कोई भी चीज़ डायरेक्टली आपके ऊपर है, तो मैं ऊपर तो दो चीज़ बोल सकती हूँ, वहाँ भी ऊपर है और ये भी ऊपर है.
ठीक है, डायरेक्टली ऊपर वाले चीजों के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, ओवर. देयर इज अ ब्रिज अबव द रिवर, नहीं होगा, रिवर के जस्ट ऊपर ब्रिज है, दैट इज ओवर. और यहाँ तो कॉन्टैक्ट नहीं है, मूवमेंट भी नहीं है. वैसे आप ओवर के जगह अक्रॉस भी लगा सकते हैं, ये भी बोल सकते हो. देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस भी बोल सकते हो, अक्रॉस द रिवर. बट वी कैन नॉट यूज ओवर, इधर वी हैव टू यूज ओवर, सॉरी हम अबव नहीं यूज कर सकते हैं. या तो आप ओवर यूज करोगे या तो देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर. ओके, रिवर के एक साइड से दूसरे साइड ब्रिज है. ओवर द रिवर का मतलब है क्या है, रिवर के जस्ट ऊपर ब्रिज. ओके, आई थिंक हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स किए ओवर अंडर अबव बिलो करने के लिए. ठीक है, आने वाले सेशंस में आपको प्रेपोजिशंस से रिलेटेड बच्चों को डाउट्स है, आने वाले सेशंस में हम बीनीथ भी करेंगे. ठीक है, बीनीथ का मतलब भी नीचे. देन द स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है, मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंडर बिलो और बीनीथ. एक होता है बीनीथ, एक होता है अंडरनीथ. आने वाले वीडियोज में हम करेंगे. ठीक है, अगर आपको वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. ओके, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स तो देते रहना. चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.